सीएम विजय रूपाणी ने कल अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अब सवाल है कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आज दोपहर गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए सीएम के नाम पर फैसला हो सकता है। प्रहलाद जोशी और नरेंद्र तोमर पर्यवेक्षक बनकर गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में विजय रूपाणी की विदाई के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सूबे का नया सीएम होगा कौन। गुजरात जैसे अहम प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विजय की जिम्मेदारी किस नेता को मिलेगी और क्या नया चेहरा बीजेपी में बदलाव की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कुछ नेताओं के नामों पर भी चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात उन चेहरों की जो गुजरात के सीएम पद की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम नितिन पटेल का है। डिप्टी सीएम नितिन पटेल सूबे के बड़े पटेल नेता हैं। उत्तर गुजरात के पटेल समुदाय पर नितिन पटेल की मजबूत पकड़ है। पिछली बार आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद भी सीएम पद के लिए वो चर्चा में थे। ऐसे में चर्चा है कि विजय रूपाणी के एकाएक इस्तीफे के बाद नितिन पटेल की किस्मत खुल सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए दूसरा नाम केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का है। सौराष्ट्र क्षेत्र से आने वाले मंडाविया मोदी कैबिनेट के युवा चेहरे हैं। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। 2016 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2012 और 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 28 साल की उम्र में विधायक बने। 2002 में सबसे कम उम्र के विधायक बने। सौराष्ट्र के भावनगर से आते हैं मंडाविया। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या केंद्रीय मंत्री को एक बार फिर गुजरात भेजा जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मंडाविया को कैबिनेट विस्तार के दौरान गुजरात से दिल्ली भेजकर स्वास्थ्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये जिम्मेदारी उस वक्त सौंपी गई है जब देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर था। इस दौड़ में तीसरा नाम गोवर्धन जडाफिया का है। 2002 दंगों के वक्त गृह राज्य मंत्री थे। पहली बार 1995 में विधायक बने। 2007 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया। 2014 में फिर बीजेपी में शामिल हुए। कभी पीएम मोदी के विरोधी रहे। इसके अलावा बीजेपी के पास एक विकल्प सीआर पाटिल है, जो कि इस वक्त गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीआर पाटिल को पीएम मोदी का सबसे करीबी भी माना जाता है। इन सब के बीच एक बड़ी समस्या जातीय समीकरण है, जिसे साधने में विजय रूपाणी पूरी तरह से असफल रहे। रूपाणी जैन बनिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी गुजरात की आबादी में हिस्सेदारी 5% है। 2016 में रूपाणी को न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पर आगे बढ़ाया गया था। रूपाणी से पाटीदार आंदोलन का गढ़ रहे सौराष्ट्र में अपना दबदबा बढ़ाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन बीजेपी का यह दांव खास नहीं चला और 2017 चुनाव में सीटें 2 अंकों पर आ गईं। जिसे बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने पाटीदार नेता मंडाविया को केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम पद दिया। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार कुर्सी पर कोई पाटीदार नेता बैठ सकता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक।